आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में आषाढ़ी एकादशी का विशेष महत्व है। इस तिथि से जगत के संचालक भगवान विष्णु चार माह के लिए शयन करने चले जाते हैं। इस तिथि से चार माह तक देवताओं की रात्रि होती है। देवता शयन करने जाते हैं, इसलिए आषाढ़ी एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, शयनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस वर्ष मंगलवार को आषाढ़ी एकादशी का पर्व कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उत्साह के साथ मनाया गया। महाराष्ट्रीयन परिवारों में आषाढ़ी एकादशी पर्व का काफी महत्व होता है। इंदौर के पंडित नाथ मंदिर पर अल सुबह से देर रात्रि तक बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। यहाँ पर स्वर्गीय श्री भर्तरी भाऊ खंडागले द्वारा स्थापित पांडुरंग भजन मंडल द्वारा हर सिद्धि मंदिर से लघु दिंडी यात्रा निकालकर पंडित नाथ मंदिर की प्रदक्षिणा एवं आरती की गई। इस दौरान क्षत्रिय मराठा नव निर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत कुंजीर, चंदू भैया, समाज सेवी मिलिंद दीघे, श्री राम भीमराव शिंदे, उत्तम राव राउत, गौतम पाठक, समीर जोशी, रवि वर्मा, करण कुंजीर, विकास खंडागले सहित पांडुरंग भजन मंडल के सदस्यगण उपस्थित थे। श्री कुंजीर ने पांडुरंग भजन मंडल के संस्थापक श्री विठ्ठल पांडुरंग भगवान जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के अनन्य भक्त सदैव हसमुख एवं श्री क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना के वरिष्ठ मार्गदर्शक ब्रह्मलीन संत श्री भर्तरी भाऊ खंडागले की स्मृति को याद करते हुए कहा कि संत श्री भर्तरी भाऊ आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच नहीं है, किंतु हमारी यादों में वे हमेशा जीवंत हैं। उनका आशीर्वाद सदैव पूर्ण संगठन पर बना रहेगा। उनके भजन सदैव कानों में गूंजते रहेंगे। सुनील खंडागले ने बताया कि मंडल द्वारा दिन भर अनेक आयोजन किए गए। इस अवसर पर शाम को राजकुमार ब्रिज के नीचे स्थित 64 योगिनी मरी माता मंदिर पर क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत कुंजीर, चंदू भैया द्वारा फलाहार का वितरण भी किया गया। पांडुरंग भजन मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार भव्य पैमाने पर डिंडी यात्रा निकलती थी। कोरोना काल को देखते हुए पांडुरंग भजन मंडल के ऊंची कार्यकर्ताओं द्वारा यह एक भजन के साथ पंडरपुर पंडरीनाथ की पालकी यात्रा निकली और पंडरीनाथ के दर्शन कर रहे हैं। ये पंडरीनाथ की पालकी यात्रा आदरणीय संत भर्तरी खंडागले जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से पिछले 47 वर्षों से यहाँ पर डिंडी यात्रा निकलती थी। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी आज याद में पांडुरंग भजन मंडल के समस्त वारकरी समुदाय यहाँ पर पंडरीनाथ के दर्शन करने आए। ये पंडरीनाथ पंडरपुर के अंदर पंडरीनाथ बाबा के मंदिर के अंदर करीबन 2 से 3 लाख आदमी इकट्ठा होता है, उसी पैगाने पर आज हम छोटे रूप में यहाँ पंडरीनाथ के दर्शन करने आए। एकादशी का उत्सव पंडरपुर में भगवान पांडुरंग के मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पंडरपुर में आषाढ़ी एकादशी के दिन वारकरी संप्रदाय के करीब करीब 2 लाख भक्त लोग दर्शन लाभ लेते हैं। उसी तर्ज पर यहाँ पर विगत 47 वर्षों से मेरे पूज्यनीय पिताजी पांडुरंग भजन मंडल के संचालक अब स्वर्गवासी हो गए हैं भर्तरी भाऊ खंडागले, उनके द्वारा आषाढ़ी एकादशी पर्व पर हमेशा सभी वारकरी संप्रदाय के भक्तों को लेकर के दिंडी यात्रा का आयोजन संपन्न होता है। अब वो हमारे बीच तो नहीं रहे, बाकी उनके आशीर्वादन से हम यह छोटा सा आज कोरोना काल को का प्रोटोकॉल देखते हुए
आज हम वारकरी संप्रदाय के कुछ सदस्यों को लेकर के भगवान पंढरीनाथ के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। एकादशी और आषाढ़ी एकादशी क्या कहना चाहिए? आज से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और देव उठनी ग्यारस पर यह समाप्त होता है। पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। गांव-गांव से वारकरी अपनी पालकी यात्रा निकालते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। उसी परंपरा का निर्वाह इंदौर में भी सन 1948 से पांडुरंग भजन मंडली द्वारा किया जा रहा है। हमारे भर्तरी बाबू खंडागले जी के नेतृत्व में विगत कई वर्षों से ये यात्रा निकल रही है, पर अभी कोरोना काल को देखते हुए हम एकदम संक्षिप्त रूप से भगवान विट्ठल के पंढरीनाथ के दर्शन करने आए हैं। पांडुरंग भजन मंडली के सभी सदस्य हमारे पंढरीनाथ मंदिर पर आए, बताएं आप इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, क्या है आज? आज देवशयनी एकादशी है, इसमें पंढरपुर का बहुत महत्व है और पंढरपुर में जो भगवान विष्णु का अवतार है ये ईट पर खड़े हैं, उनके दर्शन की आज बहुत महत्व है। आप बाई कास्ट कौन से समाज से आते हैं? माहेश्वरी समाज से है। जैसे महाराष्ट्र आज महाराष्ट्र में मैं महाराष्ट्र की हूँ। हाँ, इसका काफ़ी महत्व है। इसका काफ़ी महत्व है।